देशा संबंधी देश प्रजक संबंधी विविध वर्ग संबंधी अंदर की न्याय जरगाले पद संवर कल पा अन्नी वर्ग अन्यायम जो न्याय जरगाले మా మానిఫెస్టో కూడా న్యాయం గురించి ఒక ప్రత్యేకమైన చొరవ చూపెడుతూ అటు రైతులకు కార్మికులకు యువతకి మహిళలకు ప్రధానంగా ఎంచుకోబడ్డ వర్గాలకు రేపు రాహుల్ గాంధీ గారు రిలీజ్ చేసే మానిఫెస్టోలో స్పష్టంగా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పడం జరుగుతది तेलंगाना राष्ट्र प्रजलक संबंधी राष्ट्र कांग्रेस पार्टी आ रोज मैनिफेस्टो प्रति अंश तो दाने बलं चेकूरुस्तू केंद्र में कांग्रेस पार्टी प्रभुत्वं एर्पाटैनंक देशव्याप्तंगा न्यायं चेयाले प्रजलकने ఒక సంకల్పంతో పోతా ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర ప్రజానికానికి రాష్ట్ర రైతాంగానికి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన విద్యార్థులకు యువజనులకు నిరుద్యోగ యువతి యువకులకు గాని అదే విధంగా మహిళా సోదరులకు గాని ఇవన్నీ మీకు రేపు మానిఫెస్టో రిలీజ్ సందర్భంగా స్పష్టంగా తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా ఏ విధమైన आलोचन चेसी मैनिफेस्टो रिलीज चेयबोता उन्नामो मा नायकुलु राहुल गांधी गारु चेप्पडं जरुगुतदि दीनिकि मीरंदरू कूडा सहकरिंचालनि पात्रिके मित्रुलंदरं कूडा कोर्ता उन्नाम मी सहकारं कूडा मेमु कोर्तू इदि विजयवंतं चेयाल्सिंदिगा मा यावत् कांग्रेस पार्टी श्रेणुलकु प्रजलंदरिकी कूडा मरोकसारी मनवि चेस्ता उन्नाम ఇప్పుడు పెద్దలు మా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏఐసిసి జనరల్ సెక్రటరీ దీపాదాస్ ముంచి గారు ప్రెస్ ని అడ్రస్ చేస్తారు మాన్య శిధర్ బాబూజీ సీతాకాజీ పొన్నం ప్రభాకర్ జీ మహేష్ గౌడ్ జీ హమారే ఏఐసిసి కలీగ్ विष्णुनाथ जी रोहित चौधरी जी और सारे लिड्रान एंड ऑल माय मीडिया फ्रेंड्स वेम नरेंद्र जी डीसीसी प्रेसिडेंट नरसिम्हा जी राम रेड्डी जी विवेक जी और कौन है सब है पारिजाता लोकल मेयर सभी लोगों के साथ आज हम लोग ये तुकुडुकुरा ग्राउंड पे आए हैं। आप सबको पता है कि आज दिल्ली में एआईसीसी में हमारे अध्यक्ष खारगे जी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी मिलकर 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसी मुद्दे पे आज एक न्याय पत्र घोषित किया गया। हम सब जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए और उनका ये कहना था कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आया है। और दूसरे बाद उन्होंने कहा हमारे देश के जो न्याय मांगते हैं उन सब के साथ हम हैं, हमारे पार्टी है और न्याय के हक मिलने तक हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं हारेंगे, हम नहीं थकेंगे।
तो जितना न्याय हर एक सेक्शन के लोग, द ऑल सेक्शन ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर जस्टिस, दैट जस्टिस हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन आर न्याय पत्र. मैं उन हम लोग उनके नाम इस बार मैनिफेस्टो नहीं रखे हैं, न्याय पत्र रखा है, क्योंकि इस न्याय पत्र 46 पेजेस है, लेकिन इट्स अ विजन ऑफ कांग्रेस पार्टी फॉर आवर कंट्री इंडिया. दैट इज द विजन हाउ वी आर गोइंग टू सी. यू ऑल हैव बाय द टाइम आवर मिनिस्टर्स हैव सेड दैट फ्रॉम दिस ग्राउंड वी हैव गिवन 6 गारंटीज बिफोर assembly election, and 5 of the guarantees have been so far implemented. And why Tukugoda ground for this meeting? Because we all know that this ground, we have proved that the guarantees given by the promises given by the Congress party, and also this ground has proved that one Sonia Gandhi ji has given Telangana and people of Telangana brought back Congress party into power. So this is a lucky charm for us. So this time also the national Nyay Patra, we are starting our new journey for 2024 election from this ground, hoping for the best, to save India, to save our constitution. We are all together, unitedly, univocally. It's not only Congress party but India alliance, we all stand together for our constitution and for our country, against fascism, against BJP misruling corrupt government. Kal Rahul Gandhi ji aayenge न्याय पत्र घोषणा के साथ साथ हमारे चुनावी प्रचार का जर्नी शुरू हो जाएगा यहां से. और जैसे सब कंधे में कंधे मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर, तेलंगाना के लोग, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, तेलंगाना के जितने लोग विश्वास रखते हैं कांग्रेस के संविधान पर, सिविल सोसाइटी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, सब लोग इकट्ठे होके हम लोग लड़ेंगे. और देश में इंडिया अलायंस द्वारा सरकार बनाएंगे. धन्यवाद. थैंक यू मैडम. थैंक यू. अंदर की धन्यवाद.